गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन योर कंटेंट्स। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे क्या चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है। हमारी स्कूल में कॉपी चेकिंग हो रही है, तो हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि आपको ओरली पढ़ाएंगे, आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं देंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं तो तब तक उनको कर लेते हैं कि आपने कोई चैप्टर मिस किया है तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। ओके, अब ले लेते हैं हमने क्या क्या चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो बच्चे, अपने कंटेंट्स ओपन कीजिए। इस पर हमारे द अल्फ़ाबेट हो गए हैं, नेमिंग वर्ड हो गए हैं, वन एंड मैनी हो गया है, पॉसेसिव नाउंस हो गए हैं, मेल एंड फीमेल हो गया है, ए एंड डा का यूज़ हो गया है, ठीक है। और अभी हमारा चल रहा था वर्ड रिप्लेसिंग नाउंस। तो बच्चा, सबसे पहले अपनी कॉपी में पेज नंबर 7 ओपन कीजिए, द अल्फ़ाबेट। तो द अल्फ़ाबेट आपको पता ही है, हमने इसमें क्या किया था, सारे जितने भी वर्ड्स दे रखे थे हमने उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाया था, ठीक है। ये देखिए, हमने क्या किया था, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नेम दे रखे थे, हमने क्या किए थे, उन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाया था। इसके बाद हमने जो आपके पास है उसमें हमने क्या किया था, लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग वॉवल्स। वॉवल्स आपको पता ही है, ए ए आई ओ यू। तो हमने मिसिंग वॉवल्स को फिल किया था। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द वर्ड्स राइटिंग द मिसिंग कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट को फिल किया था। ओके, नाउ टर्न योर पेज। अब आगे हमने डी में पढ़ा था, राइट द नेम्स ऑफ गिवन पिक्चर इन द ब्लैंक्स एंड सर्किल द वॉवल्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नेमिंग वर्ड दे रखे थे, तो इनके जितने वॉवल्स हैं उनमें हमने सर्कल किया था, ठीक है। वॉवल्स आपको पता ही हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, जैसे कैट, कार, बॉक्स, एप्पल, डॉग, बैग, डंकी, बेड। तो इनमें जो वॉवल्स होते हैं उनको हमने फिल किया था। आगे हमारे पास था फन टाइम में, इसमें हमने क्या किया था, यूज़ द लेटर इन द वर्ड बर्थडे टू मेक न्यू वर्ड द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ यू। आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इनकी सहायता से हमने जो बर्थडे वर्ड है उसमें सारे लेटर्स को अलग अलग करके उनसे एक नया वर्ड बनाया था। जैसे बी से हमने बनाया था बर्ड, ठीक है, उसमें आर आता है, आर से हमने बनाया था रैट, रैट का पिक्चर दिख रहा है। टी से हमने बनाया ट्री, एस से हमने बनाया हैट, डी से हमने बनाया डस्ट यानी कि धूल, और एस से हमने बनाया संडे यानी कि कैलेंडर में संडे था। अब हम दूसरा चैप्टर ले लेते हैं, नेमिंग वर्ड्स। तो बच्चे, नेमिंग वर्ड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे हम व्यक्ति हैं ना, पर्सन है, हम इंसान हैं, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम और किसी भी चीज़ों का नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। फिर हमने इसमें कॉमन और स्पेशल नेम्स भी पढ़े थे। कॉमन नेम्स क्या थे, कॉमन नेम्स लाइक अ बॉय, गर्ल, मैन, वूमेन, मैं, कुछ भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, डॉग, ठीक है। लेकिन जब उनका नाम बोला जाएगा, जैसे बॉय है उसमें हमने बोला अशोक, तो अशोक हमारा स्पेशल नेम होगा। गर्ल है आना, तो आना हमारी स्पेशल नेम होंगी, ठीक है। अब डॉग कॉमन है, लेकिन अगर डॉग का नाम लेंगे हम जिमी, तो वो हमारा स्पेशल नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे नेम दे रखे थे, ठीक है, जो आपके क्या है, जैसे प्लेसेस हैं, स्पेशल नेम है। प्लेसेस में जैसे अमेरिका, इंडिया, जापान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये हमारे स्पेशल नेम है। मोन्यूमेंट्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, चार मीनार, ये स्पेशल्स है। फेस्टिवल, होली, क्रिसमस, ईद, ग्रुप पर्व, स्पेशल हैं। मंथ्स, ठीक है, ये हमारे स्पेशल हैं। तो जो स्पेशल्स नेम होते हैं हमेशा किससे शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से। फिर हमने यहाँ पे पिक्चर की सहायता से ये फिल की थी, यहाँ पे एक्सरसाइज है ना। और नेक्स्ट हमने क्या किया था, अंडरलाइनिंग द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस एंड सर्किल द स्पेशल नेम। देन हमारे पास क्या रहता था बच्चा, एक यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे थे, अलग अलग नेमिंग वर्ड्स दे रखे थे, तो हमने उनको क्या करना था, स्पेशल्स नेम एंड कॉमन नेम्स में फिल करना था।
तो अभी तक जो कॉपियाँ आई है तो बहुत बच्चों ने इसमें मिस्टेक की गई है, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे ढंग से पढ़ा था, यानी कि स्पेशल्स नेम क्या होते हैं। स्पेशल्स नेम वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गोपाल है किसी बच्चे का नाम है, लंदन सिटी का नाम है, सिंगापुर सिटी का नाम है, मंडे आपका डे नाम है। कॉमन नेम में क्या है, टीचर, आंट, मंथ, फ्रेंडे, फ्रेंड, विलेज, पार्क, अंकल, सिटी, फेस्टिवल, टाउन, बिल्डिंग, रिवर। यानी कि टीचर है लेकिन कौन से टीचर है पता नहीं। अगर टीचर का नाम होगा तो वो हो जाएगा स्पेशल नेम। आंट, चाची, चाची तो सब होती हैं लेकिन जब एक चाची का नाम लिया जाएगा तो वो आपकी हो जाएंगी स्पेशल, है ना। तो इसी प्रकार से ये था। तो अभी हम ये दो चैप्टर ही करते हैं, इसके आगे हम बाद में करेंगे। और बच्चों जल्दी से जल्दी आप सब बच्चे अपनी कॉपी जमा कर लीजिए, ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके।